नमस्कार, सात्विक संगीत एकेडमी में आज हम जानेंगे श्री विष्णु नारायण भातखंडे जी की जीवनी। श्री विष्णु नारायण भातखंडे, जन्म 10 अगस्त 1860, मृत्यु 19 सितंबर 1936, घराना मेवाती घराना, रचनाएं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में, भातखंडे संगीत शास्त्र 4 भागों में, अभिनव राग मंजरी, लक्ष्य संगीत, स्वर मालिका आदि। श्री विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1860 को बंबई के बालकेश्वर नामक स्थान में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। उनके पिता को संगीत से विशेष प्रेम था। उन्हें अपने पिता से संगीत सीखने की प्रेरणा मिली, अतः वे विद्यालय शिक्षा के साथ साथ संगीत शिक्षा के प्रति जागरूक रहे। उन्होंने सितार, गायन और बांसुरी की भी शिक्षा प्राप्त की और तीनों पर अच्छा अभ्यास किया। सेठ बल्लभ दास से सितार और गुरु राव जी बुआ बेलवादकर, जयपुर के मोहम्मद अली खान, ग्वालियर के पंडित एकनाथ, रामपुर के कलवे अली खान आदि गुरुजनों से गायन सीखा। सन 1883 में स्नातक एवं 1890 में LLB की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। कुछ समय तक इन्होंने वकालत भी की, किंतु संगीत प्रेमी का मन वकालत में अधिक दिनों तक रम न सका। वकालत छोड़कर वे संगीत की सेवा में लग गए। शास्त्रीय संगीत की ओर संगीतज्ञों का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय पंडित जी को है। उनके समय के संगीतज्ञ संगीत शास्त्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, अतः उनके गायन वादन में अनेक विषमताएं मिलती थी। अतः उन्होंने विभिन्न प्रांतों का भ्रमण किया और संगीत के प्राचीन ग्रंथों की खोज की। यात्रा में जहां भी उन्हें संगीत का विद्वान मिलते, वे उन सब से सहर्ष मिलते, उनसे धन देकर या शिष्य बनकर अथवा सेवा कर ज्ञान प्राप्त किया। इस कार्य में उन्हें कई बार दिक्कतें भी उठानी पड़ी। विभिन्न रागों के बहुत से गीत एकत्रित किए और उनकी स्वरलिपि भातखंडे क्रमिक पुस्तक 6 भागों में संग्रहित कर संगीत प्रेमियों के लिए अथाह भंडार बना दिया। उस समय किसी व्यक्ति को केवल एक गीत सीखने के लिए वर्षों तक सेवा करनी पड़ती थी। ऐसे वक्त में पुस्तकों की श्रृंखला का उपलब्ध हो जाना विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। क्रियात्मक संगीत को लिपिबद्ध करके भातखंडे जी ने एक सरल और नई स्वरलिपि पद्धति की रचना की, जो भातखंडे पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तरी हिंदुस्तान में इस पद्धति का प्रचलन है। यह पद्धति अन्य की तुलना में सरल और सुबोध है। इसके अतिरिक्त राग वर्गीकरण का एक नवीन प्रकार थाट राग वर्गीकरण को प्रचारित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से समस्त रागों को 10 थाटों में विभाजित किया। उनके समय में राग रागनी पद्धति प्रचलित थी। उन्होंने उसकी कमियों को समझते हुए थाट का प्रचार किया तथा काफी के स्थान पर बिलावल को शुद्ध थाट माना। जिस समय भारत में रेडियो का प्रचार नहीं था, उस समय भातखंडे जी ने संगीत के प्रचार हेतु संगीत सम्मेलन की कल्पना की और सन 1916 में बड़ौदा नरेश की सहायता से प्रथम संगीत सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया। उस समय में अखिल भारतीय संगीत अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। शीघ्र ही उसकी स्थापना हुई, किंतु अधिक समय तक कार्य न कर सकी। सन 1925 तक उन्होंने 5 वृहद संगीत सम्मेलन आयोजित किए। उनके प्रयत्नों से कई संगीत विद्यालयों की स्थापना हुई। उनमें से मुख्य हैं मैरिस म्यूजिक कॉलेज, भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर तथा म्यूजिक कॉलेज बड़ौदा। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में, भातखंडे संगीत शास्त्र 4 भागों में, अभिनव राग मंजरी, लक्ष्य संगीत, स्वर मालिका आदि। इस प्रकार भातखंडे जी जीवन भर संगीत की सेवा करते रहे और अंत में 19 सितंबर 1936 को उनका स्वर्गवास हो गया। तो ये थी भातखंडे जी की जीवनी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही
बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।